एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी पर टीडीएस को डिडक्ट कर दिया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके सैलरी इनफ्लो पर, और उस टीडीएस का जो एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी पर डिडक्ट किया है उसका आप कैसे बेनिफिट क्लेम कर सकते हो व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट पॉइंट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट टीडीएस इज। So, TDS is nothing. It's a tax deducted at source. ये आप ही का अमाउंट है जो employer आपके सैलरी पे से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा है। तो स्पेशली फॉर द employer's केस, जो सैलरी ड्रॉ करते हैं employer से, उस केस में टैक्स पेमेंट करने की लाइबिलिटी employer पर नहीं, employer पर होती है। तो ये एडवांस टैक्स होता है जो employer को आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके, अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल हो जाती है और टैक्स क्राइटेरिया में आ जाती है जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके ऑन अ मंथली बेसिस वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, और इस टैक्स का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप ही का पैसा है जो आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है, और ये आप ही की लायबिलिटी थी जो एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में पे की है गवर्नमेंट को, और इसका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो आपके इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि एम्प्लॉयर कब आपकी सैलरी पर ये टीडीएस को डिडक्ट करता है। तो अगर आपकी सैलरी 2,50,000 से एक्सीड हो जाती है योर टैक्सेबल सैलरी, अभी दो रिजीम है, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम, तो आई एम फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी, दिस इज नॉट द सैलरी विच यू आर ड्रॉइंग, टैक्सेबल अमाउंट, सो बेसिकली जब आप सैलरी आपको मिलती है तो उसके पे स्लिप में तीन हेड्स होते हैं विच आई फाइंड वेरी नॉर्मल इन ऑल द पे स्लिप्स। फर्स्ट इज योर बेसिक सैलरी, सेकेंड इज योर डी ए, एंड थर्ड इज योर अदर अलाउंसेस। इसमें से आप कुछ एग्जेम्पशंस भी क्लेम करते हो, जैसे एचआरए की एग्जेम्पशन हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हो 50,000 की, और इसके अलावा देयर आर वेरियस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80CCD व्हिच आर क्लेम्ड बाय एम्प्लॉयज वेरी जनरली। तो ये सारे डिडक्शंस क्लेम करने के बाद आपकी जो अमाउंट रिमेनिंग रह जाती है दैट इज कॉल्ड योर टैक्सेबल सैलरी। अगर आपकी ये टैक्सेबल सैलरी 2,50,000 से अबव हो जाती है तो आपका एम्प्लॉयर के ऊपर ये लायबिलिटी आ जाती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कि वो आपकी पूरी सैलरी पर टैक्स को कंप्यूट करेगा, और अगर आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स अमाउंट बनता है, आई मीन आफ्टर कंप्यूटिंग द रिबेट ऑल्सो, तो उसको वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके ऑन अ मंथली बेसिस गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट कर देगा। लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, सो वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 क्लेम करो। सो बेसिकली ये फॉर्म 16 इशू होता है वंस इन ए ईयर। तो अगर आपका अभी मैं फाइनेंशियल ईयर बात करूं, सो विच इज 2022 टू 2023, तो इसका फॉर्म 16 आपको इशू हो जाएगा 31 मई तक। तो आप उस फॉर्म 16 में आप ये चेक कर सकते हो कि एम्प्लॉयर ने आपकी कितनी टैक्सेबल सैलरी को कंप्यूट किया है और कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, और ये टैक्स का अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 आपको इश्यू किया आप चेक कर सकते हो बाय थ्रू योर 26AS आल्सो। हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपको बताएंगे कि फॉर्म 26AS भी कैसे निकाला जा सकता है इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। तो इसके थ्रू आप फॉर्म 16, आपकी जो 26AS है, एंड थर्ड इज द डिडक्शन जो आपके एम्प्लॉयर ने पे स्लिप में दिखाया कि दैट यस दिस इज द अमाउंट विच आई डिडक्टेड आउट ऑफ योर सैलरी। सो दिस इज द थ्री वे आउट कि आप अपने पूरे टैक्स टीडीएस को चेक कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लेट अस नो एंड डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।